दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम इंडियन पुलिस की रैंक्स और उनके रैंक इंसिग्निया को देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इंडियन पुलिस के ऑफिसर और उनकी रैंक्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज गेजेटेड ऑफिसर्स और नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स। और अगर हम इंडियन स्टेट पुलिस के नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स की रैंक और इंसिग्निया की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है पुलिस कांस्टेबल। पुलिस कांस्टेबल या पीसी इंडिया में लोवेस्ट पुलिस रैंक है और कांस्टेबल का कोई रैंक इंसिग्निया नहीं होता है। पुलिस कांस्टेबल के बाद आते हैं सीनियर पुलिस कांस्टेबल। सीनियर पुलिस कांस्टेबल का रैंक इंसिग्निया होता है 2 पॉइंट डाउन शेवरॉन्स ऑन देयर स्लीव्स। नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल इंडियन डिफेंस फोर्सेज में सार्जेंट या हवलदार रैंक इक्विवेलेंट ऑफिसर होते हैं और इनके स्लीव्स पर 3 पॉइंट डाउन शेवरॉन्स मौजूद होते हैं। हेड कांस्टेबल के बाद आते हैं एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। एएसआई नॉन गेजेटेड पुलिस ऑफिसर होते हैं और इनका रैंक इंसिग्निया होता है 1 स्टार विद अ रेड एंड ब्लू स्ट्रिप्ड रिबन ऑन शोल्डर स्ट्रैप्स। एएसआई एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन सकता है, वो पुलिस आउटपोस्ट या फरी और इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स के अधिकारी होते हैं। कुछ पुलिस स्टेशन में वो जीडी ड्यूटी का इंचार्ज भी होते हैं, उनका काम इंसिडेंट्स की रिपोर्ट सीनियर ऑफिसर्स के लिए तैयार करना होता है। नेक्स्ट है एसआई यानी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। सब इंस्पेक्टर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन और लोवेस्ट रैंक ऑफ ऑफिसर होता है जो इंडियन पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कोर्ट में एक चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। एसआई का रैंक इंसिग्निया होता है 2 स्टार विद रेड एंड ब्लू स्ट्राइप्ड रिबन ऑन शोल्डर स्ट्रैप्स। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के बाद आता है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इंडियन पुलिस में इंस्पेक्टर्स सबसे बड़े नॉन गेजेटेड ऑफिसर होते हैं जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज भी होते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का रैंक इंसिग्निया होता है 3 स्टार विद अ रेड एंड ब्लू स्ट्रिप्ड रिबन ऑन शोल्डर स्ट्रैप्स। नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स के बाद अब बात करते हैं गेजेटेड ऑफिसर्स की। गेजेटेड ऑफिसर्स भी 2 तरह के होते हैं, दैट इज इंडियन स्टेट पुलिस गेजेटेड ऑफिसर और इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स जिन्हें आईपीएस ऑफिसर भी बोला जाता है। तो अगर हम पहले इंडियन स्टेट पुलिस गेजेटेड ऑफिसर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो रैंक आती है वो है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इंडियन पुलिस सिस्टम में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को बस मेट्रोपॉलिटन और सिलेक्टेड एरियाज में यूज किया जाता है। वही दूसरे एरिया के लिए इसके इक्विवेलेंट रैंक है डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और इसका रैंक इंसिग्निया है 3 स्टार ऑन शोल्डर। नेक्स्ट है एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनका रैंक इंसिग्निया होता है नेशनल एम्बलेम ऑन शोल्डर। नेक्स्ट रैंक है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इंडिया में छोटे डिस्ट्रिक्ट को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा हेड किया जाता है। इनका रैंक इंसिग्निया होता है नेशनल एम्बलेम और 1 स्टार ऑन शोल्डर। नेक्स्ट रैंक है डीसीपी यानी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस और एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इंडिया में मेजर डिस्ट्रिक्ट को सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा हेड किया जाता है। इनका रैंक इंसिग्निया होता है नेशनल एम्बलेम और 2 स्टार ऑन शोल्डर। अब बात करते हैं आईपीएस ऑफिसर की। तो यूपीएससी क्लियर करने के बाद आपको जो रैंक दी जाती है वो होती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सर्विस के 1 ईयर में आपके शोल्डर पर 1 स्टार मौजूद होगा विद आईपीएस बैच। वही सर्विस के 2nd ईयर में आपके शोल्डर पर आईपीएस बैच के साथ 2 स्टार मौजूद होंगे। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बाद सेम वही रैंक्स आती हैं जिन्हें हम इंडियन स्टेट पुलिस गेजेटेड ऑफिसर्स वाले सेक्शन में देख चुके हैं, यानी अब नेक्स्ट रैंक होगी एसीपी और डीएसपी, एडिशनल डीसीपी और एएसपी, डीसीपी और एसपी और लास्ट में है डीसीपी और एसएसपी। इनके रैंक इंसिग्निया भी स्टेट पुलिस गेजेटेड ऑफिसर की तरह सेम होते हैं, पर इसके साथ ही इन सभी रैंक्स में आईपीएस बैच भी मौजूद होता है, यानी इन सभी रैंक्स पर मौजूद एक ऑफिसर इंडियन पुलिस सर्विस या स्टेट पुलिस सर्विस का हो सकता है। और सीनियरिटी वाइज बात करें तो सेम रैंक पर मौजूद आईपीएस ऑफिसर सीनियर होगा कंपेयर टू स्टेट पुलिस सर्विस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर्स इसके आगे भी प्रमोट होते हैं, इसके बाद वो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या इवन कमिश्नर ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक पर भी प्रमोट होते हैं। ये सभी रिस्पेक्टिवली 1, 2 एंड 3 स्टार रैंक्स हैं और रिस्पेक्टिव रैंक्स के इंसिग्निया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर होते हैं डीआईबी, दैट इज डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। डीआईबी इंडिया की प्रीमियर डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं और इनका टेन्योर यूजुअली 2 to 3 ईयर्स का होता है। तो ये थी इंडियन पुलिस की रैंक्स और रिस्पेक्टिव रैंक इंसिग्निया। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।